जय महालक्ष्मी। मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा कौन है जो चाहता है कि उसके घर की लक्ष्मी उसके घर से रूठकर चली जाए या उसके घर के अंदर लक्ष्मी नहीं रहे? मेरे हिसाब से ऐसा कोई नहीं होगा। दोस्तों, माता लक्ष्मी उसी घर के अंदर निवास करती है जिस घर के अंदर माता लक्ष्मी की कद्र होती है, माता लक्ष्मी से जुड़ी चीजें उसके घर के अंदर होती है और साथ ही साथ वह माता लक्ष्मी से जुड़े कुछ बातों को मानता है। दोस्तों, आप इस बात को माने या न माने, इस संसार के अंदर जितने भी ज्यादा व्यक्ति पैसे वाले हैं उनके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। बिना माता की लक्ष्मी की कृपा के रंक भी राजा बन जाता है और राजा को भी रंक बनते कुछ देर नहीं लगती है। इसलिए दोस्तों, आपको इस बात का जरूर ध्यान होना चाहिए कि माता लक्ष्मी से जुड़ी चीजें आपको भूल कर भी कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। अगर आप इन चीजों को देंगे और उसके बाद सोचते हैं कि आपके घर के अंदर लक्ष्मी आएगी तो दोस्तों भूल कर भी आपके घर के अंदर लक्ष्मी प्रवेश नहीं करने वाली है। क्योंकि दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके अंदर माता लक्ष्मी का विशेष लगाव रहता है और वह हर घर के अंदर होती है, लेकिन क्या करते हैं कि हम किसी को उधार दे देते हैं या कुछ चीजें दान दे देते हैं। शास्त्रों के अंदर दोस्तों इन चीजों को वर्जित माना गया है। आप इन चीजों को करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर धन का प्रभाव देखने को नहीं मिलता और आपको धन से हमेशा रूठकर ही रहना पड़ता है। तो आपको इन चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी देखने को नहीं मिले। तो इसके लिए आप क्या करें कि इन चीज़ों का आपको भूलकर भी ना तो उधार देना चाहिए और ना दान देना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी की सदैव आपके जीवन के अंदर कृपा बनी रहे। दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी भी स्वर्ग लोक को छोड़कर वैकुंठ धाम में रहने के लिए आ गई थी तो दोस्तों सारे देवी देवताओं को धन संपदा से विपरीत रहना पड़ा था। उनकी धन संपदा, उनके गहने चले गए थे, तब माता लक्ष्मी को वापस मना कर लेकर आए, तब जाकर कहीं स्वर्ग लोक लगने लगा। इतना पावरफुल होता है माता लक्ष्मी का रूठना और माता लक्ष्मी का प्रसन्न होना। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो आपको कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए ताकि माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, वह सबसे पहले अगर किसी चीज़ की बात करें तो दोस्तों वह है माता लक्ष्मी से जुड़ी ऐसी चीज़ें जो माता लक्ष्मी की पूजा हेतु आपने अपने घर के अंदर लेकर आई है। दोस्तों, जैसे कि स्टफिक की माला हो गया, चाहे मनके हो गए, चाहे आप कमल गट्टे की माला हो गई या फिर माता लक्ष्मी वास्तु यंत्र हो गया, ऐसी चीज़ें जो माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई है और आप उनसे नित्य माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे होते हैं, उन चीज़ों को भूल कर भी किसी को नहीं दे, अन्यथा आपको माता लक्ष्मी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, दूसरी किसी चीज की बात करें तो वह है स्त्री के गहने। और दोस्तों, गहनों के अंदर साक्षात माता लक्ष्मी का वास करता है और स्त्री के गहने विशेष तौर से महिला के सुहाग के जो गहने रहते हैं, क्योंकि दोस्तों सुहाग के महिला के गहने उसकी जान रहते हैं और घर की लक्ष्मी के गहने रहते हैं। दोस्तों, गहने हमेशा विपरीत परिस्थिति आती है तब घर से बाहर निकलते हैं, जब किसी चीज का चारा नहीं रहता, किसी प्रकार का कोई भी मार्ग नहीं रहता कि किस प्रकार से धन लेकर आए, तब व्यक्ति मजबूर होकर गहने बेचता है, उसके अलावा गहने कभी भी किसी को नहीं देता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब माता लक्ष्मी भयंकर रूठ जाए तब गहनों की बारी आती है। इसके अलावा आपको कभी भी अपने गहने लेने चाहिए, जितना प्रयत्न हो आपको बेचने नहीं चाहिए। और दूसरा, सुहाग की वस्तुएं तो विशेष तौर से किसी को भी ना तो उधार देनी चाहिए। महिलाओं को अपने सुहाग की वस्तुएं, अपने मंगलसूत्र हो गया, बिछिया हो गई, पायल हो गया, चूड़ियां हो गई, इन चीजों को किसी को पहनने के लिए भी नहीं देना चाहिए। अगर आप इन्हें देती है तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी की नाराजगी का आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो वह चीज है झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू का कभी भी दान नहीं किया जाता है। अगर कोई किसी को वार त्योहार झाड़ू दे देता है या अपना झाड़ू ऐसे ही पुराना हो गया उससे गरीब को दे देता है कि वो आप चलाओ, ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। झाड़ू के अंदर साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना जाता है और अगर आप अपने घर का झाड़ू किसी अन्य को देते हैं तो समझ लीजिए कि घर की लक्ष्मी को भी दूसरों के हवाले कर रहे हैं। और अगर आप यह लगातार करेंगे तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर धन की कमी रहने वाली है, माता लक्ष्मी की नाराजगी का आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो गुरुवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन दिया गया पैसा। दोस्तों, हाँ, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता है, पैसा उधार एक दूसरे को देना पड़ता है, उसके बिना काम
काम नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों गुरुवार और शुक्रवार ये दोनों धन के वार होते हैं, माता लक्ष्मी और विष्णु के वार होते हैं। इस दिन किसी को भी उधार देने से बचना चाहिए। अगर आप इस दिन धन किसी को उधार देते हैं तो समझ लीजिए कि वह धन आपके पास दोबारा नहीं आने वाला है और ना ही इस दिन आपको उधार लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस दिन उधार लेना और देना दोनों ही खतरे के संकेत माने जाते हैं। आप बाकी वार किसी की आवश्यकता के लिए दे सकते हैं, लेकिन इस वार का चयन आपको छूट देना चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दुखद परिणाम देखने को नहीं मिले। क्योंकि दोस्तों धन वक्री के जीवन के अंदर बार बार नहीं आता है, इसका सम्मान आपको करते रहना चाहिए। दोस्तों अगली चीज की हम बात करें तो दोस्तों जब संध्या काल हो जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, तो सूर्य अस्त होने के बाद आपको भूल कर भी किसी को भी दूध, दही, चावल ऐसी चीजें नहीं देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों यह चीजें संपन्नता की प्रतीक मानी जाती है, व्यक्ति के सौभाग्य की प्रतीक मानी जाती है। और अगर आप संध्या काल के बाद अपने घर की इन लक्ष्मी रूपी चीजों को किसी को उधार देते हैं, किसी को दान देते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी की नाराजगी का आपको सामना करना पड़ सकता है। और माता लक्ष्मी जिस व्यक्ति के ऊपर नाराज हो जाती है उसके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं आता है, क्योंकि दोस्तों उस व्यक्ति के जीवन के अंदर से साक्षात माता लक्ष्मी रूठ जाती है, तो दुखी दुख रहता है, सुख नहीं आता है। अब दोस्तों एक और चीज है कि अपने घर की रसोई की चीजें होती है जिसके अंदर विशेष तौर से जिस आटे की आप आटे से चकले से रोटी बनाते हैं, चकला हो गया, बेलन हो गया, अपने घर का चूल्हा हो गया, ऐसी चीजें आपको भूल कर भी किसी को भी काम में लेने के लिए नहीं देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों साक्षात वो आपके घर से जुड़ी चीजें होती है, आपके वैभवता से जुड़ी चीजें होती है, और अगर आप इन्हें देते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर तरक्की देखने को नहीं मिलती है। आप इन चीजों को अगर आप अपने घर के अंदर ही रखते हैं तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी का वास होता है, अन्यथा अन्नपूर्णा देवी का भी आपको नाराजगी का सामना करना पड़ता है और माता लक्ष्मी जी की भी नाराजगी का आपको सामना करना पड़ता है। दोस्तों इसी तरह आपके घर के देवताओं के वस्त्र हो गए, देवताओं से जुड़ी चीजें हो गई, इसे ना तो आपको ऐसे ही फेंकना चाहिए किसी अन्य गलत स्थान पर और ना ही किसी व्यक्ति को देना चाहिए। अगर आप इन चीजों को देते या लेते हैं तो आपके जीवन के अंदर माता लक्ष्मी की भयंकर नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है और आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों कौन है जो आपको आपके जीवन के अंदर माता लक्ष्मी को नहीं बुलाना चाहता, तो कमेंट के अंदर आप लिखिए जय माता लक्ष्मी या कोई भी एक लक्ष्मी मंत्र का आप कमेंट के अंदर जाप कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए ताकि माता लक्ष्मी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए और आसानी से आपके काम बन जाए। धन्यवाद मित्रों, जय माता लक्ष्मी मित्रों।